आज की वीडियो में खुश आमदीद और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टे फोकस। फोकस मेंटेन करना प्रॉब्लम सबकी है, मुझे भी अक्सर प्रॉब्लम ये होती है और मुझे बहुत से लड़के मैसेजेस करते रहते हैं कि सर फोकस मेंटेन करने का या कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए क्या तरीके अपनाए जाएं, इस पर एक वीडियो बनाए। तो आज ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में कहा था, बाबर हो गया, अली रजा हो गया और बहुत सारे लड़के, इन दो का तो नाम मुझे याद है कि इन्होंने मुझे स्पेशली कुछ दिन पहले रिक्वेस्ट किया था कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाए। अब फोकस मेंटेन करना, इसके लिए कुछ मैं आपसे टिप्स शेयर करूंगा जिसको थोड़ी सी बुकिश हो जाएगी, लेकिन अगर ये चीज़ें आप अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लेंगे तो आप फोकस रहेंगे और फोकस रहने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो पहली टिप है वो है अवॉइड मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग के आजकल हमारा जहन 10 जगहों पर लगा होता है। एक रिसर्च की गई है, आधे लड़कों को उन्होंने कहा है कि आप मल्टीटास्किंग करो और आधों को सिर्फ एक दो स्पेसिफिक टास्क दिए गए हैं और उन दोनों की जब प्रोडक्टिविटी एट द एंड ऑफ द डे कैलकुलेट की गई तो जिन्हों को स्पेसिफिक टास्क दिए गए थे और उन्हें कहा था कि आपने और कुछ नहीं करना तो उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर रही थी। माइंड हमारा, हम समझते तो ऐसे हैं कि मल्टीटास्किंग हैंडल कर लेता है, लेकिन इवेंचुअली प्रोडक्टिविटी पे जब बात आती है तो फिर आप मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे तो आप ज़्यादा अचीव कर सकेंगे। तो अपने आप को ज़्यादा चीज़ों में ना उलझाएं, जो आपका स्पेसिफिक उस वक्त का गोल है उस चीज़ को सामने रखते हुए सिर्फ उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करें। सेकेंड पॉइंट अब प्रोडक्टिविटी में है एक्सरसाइज। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होगा तो आपका माइंड भी शार्प रहेगा और आप एक्टिव रहेंगे और चीज़ों के बारे में अलर्ट रहेंगे। रोजाना सुबह मैं जिम जाता हूँ और वहाँ से मेरा दिन का स्टार्ट होता है। एक घंटे कम से कम एक्सरसाइज होती है और एक जंप स्टार्ट मुझे मिलता है। बातों को सही समझ कर और उनको अपनी लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश क्या करें, नेगेटिव थॉट्स को लाना बीच में छोड़ दें। थर्ड टेक्निक जो है या थर्ड टिप है वो है टू मेक अ टू डू लिस्ट। अक्सर लोग अपने दिन को प्लान नहीं करते और प्लानिंग कब होनी चाहिए ये इसके बारे में डिफरेंट राय है। कुछ लोग कहते हैं कि दिन के स्टार्ट में आप दिन को प्लान कर लें और ज़्यादा बेहतर ये है कि रात को आप प्लान कर लें। रात को आप प्लान करेंगे तो इवन जो दिन का स्टार्ट है वो भी आपका प्लान होगा। तो अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, टू डू लिस्ट बनाएं जिसमें आपके उस दिन के टास्क, और उस टास्क को फिर प्रायोरिटाइज करें, देखें कौन से ऐसे टास्क हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको दिन के स्टार्ट में यानी कि फर्स्ट हाफ में कोशिश करें कि उनको कंप्लीट करने की। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। विदाउट हैविंग टू डू लिस्ट आपको एक यानी कि फेमस कोट जिग ज़िगलर अक्सर कहा करते थे कि जब आपको पता नहीं होता ना कि आपने कहाँ जाना है तो फिर हर रास्ता ही आपको वहाँ पे ले जाता है। तो अपने आप को फोकस रखें कि आप सोच के रखें कि यार मैंने यहाँ पे जाना है। एक लिस्ट बनी होगी तो आपको पता होगा यार मैंने ये चीज़ें करनी है। नहीं होगी तो यू विल बी वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। अगली जो टेक्निक है वो है टेक ब्रेक। रिसर्चर्स कहते हैं कि जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो 20 या 30 मिनट के बाद 3 या 5 मिनट की ब्रेक जरूर लें। तो इस टेक्निक को पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं और ये बहुत आपको एक तरह से एक्टिव रखती है। जो भी आप टास्क कर रहे हैं माइंड आपका थोड़ा एक्टिव रहता है, थोड़ा सा ब्रेक मिलती है उससे तो वो जब दोबारा आता है तो फिर वो एक एक्टिव स्टेट में काम करता है। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है। ब्रेक्स लेते रहेंगे तो आप जरा शार्प तरीके से अपने काम पे लगे रहेंगे। नेक्स्ट टेक्निक है टू स्टे ऑर्गेनाइज। अपना वर्क स्पेस जो है एक तय करें कि आपने कहाँ पे काम करना है। फ्रीलांसर्स और जो लोग घर से काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये स्पेशली बड़ा ज़रूरी है क्योंकि उनके लिए कोई ऐसा ऑफिस नहीं होता या कोई सेट रूल्स नहीं होते। मेरे साथ, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ में। बहुत अरसा मैं बहुत सालों घर पे काम कर रहा था तो कभी लैपटॉप उठा के कभी किधर चला जाता था, कभी किधर चला जाता था। तो इवेंचुअली यानी कि आई फेल्ट के यार मेरी प्रोडक्टिविटी उस लेवल की नहीं रही। अब मैंने एक ऑफिस बनाया है और ऑफिस इन्वायरमेंट में बैठ के जितना आप एक्टिवली अपने टास्क को परसू करते हैं वो आप घर में बैठ के या किसी ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पर आप कोई रोक टोक नहीं है या कोई ऐसा एक्टिव तरीके से आप नहीं परसू कर रहे तो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए एक ऑफिस या प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाएं, ठीक है, बेड पर लेट के या कोई ऐसे पोस्चर्स को अवॉइड करें जो कि आपको सुस्त कर देंगे, ठीक है। इजी रिलैक्स किस्म के पोस्चर्स को अवॉइड करें, टेबल और चेयर पर बैठ के और एक्टिव तरीके से आप काम करें। नेक्स्ट टिप मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो है स्केजलिंग। दिन में आप टाइम सेट करें कि किस टाइम पे आपने कौन से काम कर रहे हैं और उसको फॉलो करें। स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन आपका माइंड जब ट्रेन हो जाएगा, हैबिट बन जाएगी तो वो हैबिट की ताकत आपको जो है ना आपकी फोकस को बनाने में मदद देगी। आपको पता होगा कि यार ये टाइम हो रहा है और अब इस चीज का टाइम है तो फिर वो आपकी हैबिट जो है ना वो आपको फोर्स करेगी, आपका फोकस मेंटेन करने में वो आपकी हेल्प करेगी। तो ये आप एक टाइम सेट कर लें कि इस चीज के लिए ये टाइम होगा और उसको फॉलो करें तो वो भी आपका फोकस जो है मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगी। इन द एंड मैं आपसे कुछ ऐसी 4 एक्सरसाइजेस शेयर करना चाह रहा हूं जो कि आपका फोकस बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। जब भी आप कोई देखें कि आपको फोकस कहीं इधर उधर जाने लगा हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा हो, फेसबुक पे कोई आप फीड चेक करना
चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, या कोई मैसेज आ गया है मोबाइल पे, या कोई किसी बुलाने आ गया है, किसी किस्म की भी कोई चीज है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप फौरन अपने माइंड को अलर्ट करें कि यार इंस्टेंटली मैंने रिस्पॉन्ड नहीं करना। अगर कोई मैसेज आ गया है फौरन मैंने नहीं देखना। फाइट करें उस टेम्पटेशन को जो आपको फौरन उसकी तरफ खींच लेती है, ठीक है। या कोई भी ऐसी चीज आ गई है बीच में, फौरी तौर पर मैंने उसके पीछे नहीं लग जाना। इस चीज को अवॉइड करें और इस चीज को फिर आपने बढ़ाते जाना है, ठीक है। स्टार्ट में आप करें कि यार कोई भी अगर काम ऐसा आया ना तो मैंने एटलीस्ट 2 मिनट तक उसको नहीं छेड़ना। फिर नेक्स्ट उसको बढ़ाते जाएं, 1 मिनट और बढ़ा लें, 2 मिनट बढ़ा लें, 3 मिनट बढ़ा लें। इस तरह से आप अपने माइंड को पावरफुल बना रहे हैं जो कि उस टेम्पटेशन को फाइट करेगा। एक तरह से ये विल पावर बिल्ड करने के तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपको फोकस मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। सेकेंड एक है ट्राई द रूल ऑफ फाइव। रूल ऑफ फाइव क्या है, वो भी इसी से मिलता जुलता है कि जब कभी भी आपका कोई काम करना चाह रहे हैं, आपने एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, या कोई कुछ भी कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं और आपका दिल कर रहा है यार बस सभी रहने दो, तो 5 मिनट उसमें ऐड कर लेंगे, यार नहीं 5 मिनट और देख लेता हूँ। ये हैबिट आप बनाएंगे तो ये भी आपका फोकस मेंटेन करने में और आपको उस फरार के रास्ते से रोकने में मदद देगी। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो ये है कि जब भी आपको दिल करे कि मैं कुछ और किसी तरफ चला जाऊं या कोई चीज आपकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश करे, कि अगर कोई कॉल किसी की आई है और आपको पता है यार ये कॉल मेरी उठाना इसलिए मेरे लिए पूरी तौर पर जरूरी नहीं है, तो उसको आप लिख लें कहीं पे कि यार ये कॉल आई थी, आप उसको कॉल बैक कर लें। कोई मैसेज आया था या ईमेल आई थी, कोई आपको इस तरह का कोई टोन बजी जो कि आपको उस तरफ लेके जाना चाह रही है, एक्ट ना करें, लिख लें। इन दी एंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि फोकस हमारे लिए बहुत जरूरी है। आजकल की दुनिया में हम बम्बार्ड हुए हैं डिस्ट्रैक्शन से। सोशल मीडिया हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, घर वाले हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, दोस्त हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऑफिस के कोलीग हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है। कामयाब वही होगा जो फोकस रहेगा और अपने गोल को अचीव करने के लिए लगा रहेगा। और इन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैंने आपसे जो टेक्निक शेयर किया है वो आपको पसंद आई होंगी और आपको इंप्लीमेंट करने से इससे फायदा होगा।